क्या आपका ब्रेकअप हो गया? नहीं भाई। एलविश यादव के बिग बॉस ट्रॉफी को जीतने के बाद से ही उनके काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। एंड रिसेंटली उनका इंदौर में एक इवेंट हुआ था जहां काफी ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया था। एंड इसे देखकर उन्होंने और उनकी टीम ने नेगेटिव पीआर पर इनडायरेक्टली फुकरा इंसान को रिप्लाई किया एंड ग्राउंड सपोर्ट के ऊपर भी रिएक्ट किया है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। ग्राउंड लेवल पे थोड़ी हटा दोगे, नहीं कर सको, पैसा ही तो भूख सको तुम, ये कहाँ से खरीदोगे, ये प्यार कहाँ से खरीदोगे। एलविश यादव एंड कीर्ति मेहरा के रिलेशनशिप को लेकर काफी रूमर्स रहते हैं पर दोनों की साइड से कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। एंड उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या ब्रेकअप हो चुका है एंड इस पर वो उन दोनों के वीडियोस में कमेंट्स भी करते रहते हैं। एलविश यादव ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो अपलोड किया है जहां उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स को एड्रेस किया है। यहां उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बात की है। ब्रेकअप नहीं हुआ, मैं भाई अभी भी अपनी बंदी के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि कभी ब्रेकअप हो भी ना और बहुत जल्दी शादी हो जाए। अब एक क्वेश्चन ये भी था नीचे की भाई आपकी शादी कब हो रही है। देखो अभी मैं तो हम तो रेडी बैठे हैं भाई ब्याह करने को, बंदी रेडी नहीं है अभी ना, जब वो रेडी हो जाएंगी तो हम कर लेंगे। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अब बात करते हैं UK07 राइडर एंड बिग बॉस के बारे में। तो क्या UK07 राइडर को बिग बॉस ने एक्सपोज कर दिया उनकी बातों को लेकर? तो ये स्टार्ट हुआ वीकेंड के वार में जब सलमान खान एक टास्क के टाइम पे UK07 राइडर को बुलाते हैं तो वो कहते हैं फाइनली आपको याद आ गया, मैं भी घर में हूँ। इस पर सलमान खान रिप्लाई करते हैं कुछ करोगे तभी याद आओगे ना, उसके लिए शो में दिखना भी पड़ता है। इसके बाद से ही UK07 राइडर एक बात को काफी रिपीटेडली बोल रहे थे कि बिग बॉस काफी बायस्ड हैं एंड टीवी वालों को फेवर कर रहे हैं एंड टीवी एक्टर्स हमें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है एंड कपल कपल का दिखाया जाता है, इंडिविजुअल का गेम ही नहीं चल रहा है, बिग बॉस ये तो नहीं था। एंड इसके बाद बिग बॉस ने अनुराग की क्लास लगाई एंड उन्हें लिविंग एरिया में बुलाया एंड बाकी सारे घर वालों को उनके रूम्स में भेज दिया एंड उन्होंने कहा कि सारे कैमरेज आप पर ही हैं एंड आपको स्क्रीन टाइम भी मिलेगा। बॉस एक पर्सनालिटी का शो है, अगर आपकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग है एंड ये आपका डेली लाइफ में इंटरेस्टिंग है तो आपको ऑडियंस से दूर कोई भी नहीं रख सकता है, बिग बॉस भी नहीं। इन एडिशन बिग बॉस ने अरुणा शेट्टी एंड सनी आर्या को भी कहा, जब ये दोनों आए थे तो काफी एनर्जी के साथ आए थे बट अब इनकी एनर्जी उतनी नहीं दिखती है। इसके बाद UK07 राइडर अपनी मम्मी को याद कर थोड़ा सा रो गए एंड इमोशनल हो गए एंड ये देखकर मुनव्वर भी इमोशनल हो गए थे एंड वो भी रोने लगे थे एंड दोनों ने फर्स्ट टाइम पर एक दूसरे को हक किया था। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।